Well, yeah, that's the beauty of doing a film with visual effects, or you know, मैं ये सीख चुका हूँ कॉलेज के दिनों में. आई वांटेड टू बी अ गेट इनटू विजुअल इफेक्ट्स एज अ प्रोफेशन. तो ऐसी फिल्म करना, इट्स काइंड ऑफ अ ड्रीम कम ट्रू. एक डार्क इंटेंस सुपर हीरो प्ले करना, ये भी एक तरह से इट्स काइंड ऑफ अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी. बट या यू नो, इन अ फिल्म वेयर आई डिडंट नो हाउ दे वुड इम्प्लीमेंट द एंटायर इनविजिबिलिटी, आई वाज प्रीटी स्टंड जब मैंने प्रोमो देखा. And I think that really has, you know, the audience, from what I've gathered, jo reaction aaya hai, bahut positive hai. And I'm hoping that, I'm keen to see the film when it releases, before that, the preview, because a lot of sequences which have been shot without me, I want to see how they have, you know, done that in the VFX. Yeah, so basically concept ye hai ki, it's not complete invisibility. कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पे देयर पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी दैट आर इनविजिबल. जो दो सिचुएशंस में ये दिख सकता है वो है डायरेक्ट सनलाइट में और रात को यूवी लाइट में, इन ब्लू लाइट, इन ब्लू नियॉन लाइट. और ये एक तरह से उसका वीकनेस भी बन जाता है, विच द विलन्स इन द फिल्म कम टू नो. आई डोंट वांट टू टेल द एंटायर स्टोरी, आपको आप फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा, बट दीज आर द टू सिचुएशंस वेयर यू कैन सी हिम. सवाल होते हैं कि आपने पांच बेस्ट एल्बम बताई है, तो उसमें से जन्नत एक एल्बम होता है, तो वो भी दौर था जब जन्नत आई थी, तो मेरे दिल में एक क्रेविंग उठी थी कि यार मुझे विशेष फिल्म के साथ काम करना है. और मुझे याद है मैंने गाना लगाया था ज़रा सी और उसको वॉल्यूम म्यूट कर दिया था, और वो सीन चल रहा था और मैंने एक गाना बनाया था जिसका गाना, जो गाने का नाम था सुन रहा है तू रो रहा हूँ मैं, ऑफ़ कोर्स. लेकिन उस गाने से ऐसा कुछ रिश्ता नहीं है गाने का, लेकिन मैंने ऐसे गाने बनाए हैं वो सीन को देख के, उसको म्यूट करके, और मैं गाना बनाता था, तो वो रिश्ता और मैं आज मैंने कोशिश की कनेक्ट करने की सर से, और फाइनली मीटिंग हुई और अभी अब तुम घराने के हो गए हो. है तो ऐसा, देखिए फिल्म वाले बात बड़ा चढ़ा के बोलते हैं. नहीं देखिए, हाँ ये इसमें हमारा एक गाना है तो टाइटल ट्रैक जिसको आप कहते हैं, जरा आप उसको सुन लें, फिर उसके बाद में आप जरा बताएं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है. हाँ हमने जिसको रैप बोलते हैं कुछ एक कोशिश की है. देखिए आजकल लोग थिएटर में वैसे ही आते नहीं हैं, और ऐसा क्या है जो हम थिएटर में देख सकते हैं जो घर पे नहीं देख सकते, वो है द सेंसेशन ऑफ 3D, ग्रेट साउंड. तो ये सब चीज़ें, एंड ऑफ कोर्स विद अ गुड स्टोरी एंड इफेक्ट्स, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो ऑडियंस को अपने घर को छोड़ के थिएटर में लेके आती हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. वरना सब कुछ तो आप टेलीफोन पे देख सकते हैं. यू सी द थिंग इज, आई डोंट सी एनीवन एल्स, एंड इट्स नॉट एन एरोगेंट स्टेटमेंट, आई डोंट सी एनीवन एल्स एज कंपटीशन, सो टू स्पीक. एवरीवन इज हियर टू डू ग्रेट वर्क, एंड एवरीवन्स फिल्म्स शुड डू वेल इफ दे हैव मेड गुड फिल्म्स, एंड दैट्स द वे इट शुड बी. सो इट्स नॉट लाइक इफ देयर इज अ न्यू किड ऑन द ब्लॉक, एंड यस ऑफ कोर्स दे सक्सेसफुल, देयर आर लॉट ऑफ न्यू टैलेंटेड किड्स आउट देयर. But that does not somewhere diminish another person's work. If someone's made a good film, the audience will always come to the theaters and watch it. So I don't see that as anything to be, you know, concerned about. Everyone should do good work. Everyone should do good films.